वेलकम एवरीवन। आई होप लास्ट वीडियो में आपको समझ आया होगा कि बेसिकली एवरेज निकालते कैसे। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एवरेज के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो उन क्वेश्चंस को बेसिक से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ एपी। अगर आपको नंबर्स एपी की फॉर्म में दिए हैं तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता तो देखिए लिंक ऊपर है, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं एपी का। सो अगर एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एवरेज विल बी द मिडिल टर्म। अगर एपी में इवन टर्म्स है सो एवरेज विल बी द एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स। तो इस एपी में कितने टर्म्स है देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट टर्म्स है, सो द एवरेज विल बी मिडिल टू टर्म्स, राइट। लेकिन तीन यहाँ बची। तो इस 40 और 50 का जो एवरेज है वही इस पूरी एपी का एवरेज है। सो कितना एवरेज आ गया, 45। कैसे निकाला, 40 + 50/2। सो एवरेज इज 45। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज आस्किंग अगर हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज कर दें तो एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लिंक ऊपर है, जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक ऐड किया है इस वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। सो अगर हर एक नंबर ऐड हो रहा है 5 से तो टोटल एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। सो टोटल एवरेज विल बी फॉर ए बी सी डी, ए केस में आंसर विल बी 50। अगर हर एक नंबर 5 से कम हो रहा है सो एवरेज विल बी डिक्रीज बाय 5, सो बी का आंसर विल बी 40। हर एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, सो 45 × 5, सो आंसर विल बी 225। हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज विल बी डिक्रीज बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर विल बी 9। सो दिस विल बी द न्यू एवरेज व्हेन यू आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन ईच नंबर, क्लियर। सो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, तो उसी बेसिस पर हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, आई होप क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ नॉन एपी। अभी देखिए नॉन एपी का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको खुद से एवरेज निकालना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट नहीं है कोई। सो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, डेविएशन मेथड। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देखिए, तभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सो आप एक रफली नंबर मान सकते हैं, लेट्स से 100। सो 100 100 से एक ज्यादा है, 105 5 ज्यादा है, 98 2 कम है 100 से, 103 3 ज्यादा है और 92 8 कम है। नाउ हम इसका एवरेज करेंगे, कितनी टर्म्स हैं ये 5, तो 5 से डिवाइड किया, सो टोटल सम इज व्हाट, 6 + 3 = 9 -10/5, दिस इज -1/5 मींस -0.2, सो द एवरेज विल बी 98.2। सो जो ये -2 आया है आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से, आंसर इज 98, दिस शुड बी 8, सो 104.8। डिक्रीज बाय 5, सो इट विल बी 94.8। मल्टीप्लाइड बाय 5, सो नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5, राइट, सो आंसर विल बी 44.9, सो आंसर इज 449। नाउ इफ द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5, सो नाउ यू नीड टू डिवाइड 998.5, दिस इज द आंसर। सो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जब आपके पास पर्संस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि कोई नया पर्सन ऐड हुआ तो एवरेज में इतना चेंज हुआ, तो नए पर्सन का बताओ कि क्या वैल्यू थी, या कोई नया पर्सन ऐड हुआ तो एवरेज आपका डिक्रीज हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, एवरेज मार्क ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 20। तो 6 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितने दिए हैं, 20। इफ वन स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज मार्क्स बिकम 15। अगर एक बच्चा क्लास छोड़ के जाता है तो एवरेज मार्क क्लास के 15 हो जाते हैं। फाइंड द मार्क ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, तो जो बच्चा क्लास छोड़ के गया था उसके कितने मार्क्स होंगे। सो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए आपको, सो एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 20 एंड जब एक बच्चा छोड़ के जाता है तो एवरेज विल बिकम 50। सो टोटल मार्क्स कितने हैं क्लास के, 6 × 20 = 120 मार्क्स हैं क्लास में, करेक्ट। नाउ 120 मार्क्स में से एक बच्चा क्लास छोड़ के गया, अब कितने बच्चे क्लास में, 5 बच्चे बचे और उनका एवरेज कितना है, 15 = 50। सो इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, सो 120 - 5 = 75, सो x = 45।
सो जो स्टूडेंट क्लास छोड़ के गया उसके 45 मार्क्स थे, दैट्स वाई द टोटल एवरेज विल डिक्रीज बाय 5। फिर से समझिए, टोटल मार्क्स कितने हैं क्लास के, 6 बच्चों का एवरेज 20 है, तो टोटल क्लास के मार्क्स कितने होंगे? देखिए एवरेज इज व्हाट, सम अपॉन एन, तो अगर मैं एन को एवरेज से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सम मिल जाएगा, सो यही मेरा सम है 120। इसमें से जो स्टूडेंट छोड़ के गया तो उसके मार्क्स मैंने माइनस करे, तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, 6 माइनस 1 इज 5 स्टूडेंट्स, तो 5 स्टूडेंट का एवरेज निकाला जो कि हमें 15 दिया है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करता है, सो सी 6 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना दिया था, 20। अब कोई एक नए स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन करी तो क्लास का एवरेज कितना हो गया, 25। तो सेम थिंग, पहले कितने मार्क्स थे क्लास के, 120, 6 × 20 120। नाउ अ स्टूडेंट ज्वाइंड अ क्लास, सो टोटल पहले कितने थे, 6 स्टूडेंट से, अब एक स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन करी सो टोटल कितने हो गए, 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड द एवरेज इज नाउ 25, करेक्ट। सो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 175, सो एक्स इज इक्वल टू 50। सो जो स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन करी उसके 50 मार्क्स हैं, तभी आपके क्लास का एवरेज 5 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जो कि कहीं ना कहीं जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। सो सी, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ मंडे टू फ्राइडे, दिस इज द क्वेश्चन। व्हेन द एवरेज ऑफ एडमिशन फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 50। नाउ देखिए, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई स्कूल है जहाँ पे एडमिशन्स होते हैं, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इसका एवरेज कितना दिया है, 50 दिया है। द एडमिशन्स आर इंक्रीजिंग इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर, मतलब डेली एक एक एडमिशन इंक्रीज होता है, तो ये क्या दिया है यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ऑड नंबर्स हैं तो एवरेज विल बी द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे ट्यूजडे पे कितने एडमिशन हुए, 50। मंडे को कितने हुए होंगे, 49। वेडनेसडे को 51। इंक्रीजिंग कंसेक्यूटिव ऑर्डर, मतलब डेली प्लस वन एडमिशन इंक्रीज होता है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज द एवरेज ऑफ मंडे टू फ्राइडे, करेक्ट। सो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो ये 5 नंबर हैं, तो एवरेज विल बी द मिडिल टर्म। वेडनेसडे को कितने एडमिशन थे, 51। सो आंसर इज 51, क्लियर। सो ये एपी के बेस था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने क्या इसमें डाला है, मिसलेनियस कैटेगरी में रखा है। आगे देखते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इट इज आस्किंग इज कि एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 3। मतलब दो डिजिट की ऐसे कौन कौन सी नंबर्स हैं उसका एवरेज बताएं, जब उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर मिलता है। तो देखिए, आपने किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बचा, करेक्ट। और वो नंबर कौन से होने चाहिए, टू डिजिट नंबर। सो टू डिजिट नंबर विल स्टार्ट विद 10 एंड एंड एट 99, इसी के बीच में होंगे वो नंबर्स। किससे डिवाइड करने हैं, 7 से, रिमाइंडर शुड बी 3। सो पहला नंबर कैन बी 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 3। नेक्स्ट नंबर विल बी एडिशन ऑफ 7, 17। नाउ 17 के बाद कितना मिला, 24, देन कितना मिला, 31, सो ऑन। सो द लास्ट नंबर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, सो आप 7 से डिवाइड कीजिए इसको, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, 98 आपका डिवाइड होगा 7 से, 98 से पहले क्या आएगा, 91, करेक्ट। सो प्लस 3 कर दीजिए, सो लास्ट नंबर शुड बी 94, गेटिंग। सो ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। नाउ इस एपी में कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता, इस एपी का सम क्या है ये भी नहीं पता। ऑल दीज थिंग वी कैन फाइंड, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, करेक्ट। सो फॉर्मूला क्या होता है एपी का, सो सम इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, करेक्ट। और एवरेज क्या होता है, एस एन बाय एन। सो एवरेज क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, दिस इज द एवरेज। सो आंसर विल बी 94 प्लस 10 अपॉन 2, तो 104 एवरेज इज 50। तो ये एपी आपको पता होना चाहिए कि एपी में एक फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला और भी होता है जिसमें एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी आप मल्टीप्लाई करते हैं।
सो इसको यूज करके यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस. आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन. अभी क्या दिया है, एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर्स व्हेन डिविजिबल बाय 6 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6. सो जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाए तो इट मींस इट्स अ टेबल ऑफ 6. सो 12 18 24 30 लास्ट नंबर कितना होगा 96 करेक्ट. सो द एवरेज इज व्हाट, एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 करेक्ट. सो फर्स्ट टर्म कितनी है 12 प्लस 96 अपॉन 2 कितना मिला 108 अपॉन 2. सो आंसर इज 54. अगेन दिस इज द एवरेज. सो और भी टाइप के क्वेश्चंस है. सो ये सब क्वेश्चंस आप डेविएशन मेथड यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं करेक्ट. यहाँ पे क्या मानेंगे अप्रोक्सीमेटली 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे सब 200 के आसपास है एक को छोड़ के. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड दिस. कैसे करेंगे, 257, 249, 245, 512 को आप डिवाइड कर सकते हैं 250 और 262 में. एडिशन ऑफ दीज टू विल बी 512 एंड नेक्स्ट इज 247. तो ये 6 नंबर हो जाएंगे, पहले 5 थे, आपने इसको 2 में डिवाइड कर दिया लाइक दिस. तो अब इजिली सॉल्व हो जाएगा. सो आप अप्रोक्सीमेटली 250 मान सकते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. काफी इजी है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. आंसर्स मेरे को बताएं कमेंट में कि क्या आंसर आ रहे हैं, आई विल वेरीफाई. सो एवरेज में इतना ही है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको. और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस. इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस काइंडली डू शेयर कमेंट एंड लाइक. इट गिव्स अस मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू. थैंक यू सो मच.